students. I am Arvinda Singh from PGD Commerce Vidya Ashram Public School. Now, today we will take on chapter number 7, Accountancy Double Entry System, Class 11th Commerce. Now, what is the definition of double entry system? Now, every business transaction has a two-fold effect, dhora prabhav, that it affects two accounts in opposite direction. Do vipreet dishaon ke andar do accounts ka prabhav padta hai. It would be necessary to debit one account and credit another one. Ek account ko debit kiya jata hai, dusre account ko credit kiya jata hai, aur ek account ko debit kiya jata hai. To yahi double entry system hai jo ek modernized tarika hai. Ab yahan hai characteristic of double entry system. Isse kya hai? Sabse pehla hai, every business transactions affects two accounts. दो खातों पर प्रभाव पड़ता है इसका. प्रत्येक हर जनरल एंट्री का, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का दो जगह प्रभाव पड़ता है. एक डेबिट साइड में पड़ता है और एक क्रेडिट साइड में पड़ता है, और उनकी दिशाएं भी विपरीत होती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इंपर्सनल एस्पेक्ट्स. हमें दोनों ही तरह के अकाउंट्स को अपने ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल बुक्स में लिखना होगा. जैसे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट यानी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, सभी तरह के अकाउंट्स को हम ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज में लिखेंगे. नाउ द थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन मेड. रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स. हमारे रिकॉर्डर ने डेबिट क्रेडिट रूल्स दिया है, उस डेबिट क्रेडिट रूल्स के बेस पे ही हम ये सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे जर्नल के अंदर. और द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए एक लंबा प्रोसेस है. फर्स्ट वी विल डू द जनरल एंट्रीज, सेकेंडली वी विल ट्रांसफर ऑल द सिमिलर एंट्रीज टू द लेजर, देन द बैलेंसेस आर मेड एंड आउट ऑफ बैलेंसेस द ट्रायल बैलेंस, द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर्म्ड. द डेबिट बैलेंस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ क्लासिफिकेशन, हमारे पास तीन प्रकार के खाते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. नाउ व्हाट द पर्सनल अकाउंट स्टेट्स, द पर्सनल अकाउंट स्टेट्स दैट देयर इट इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल अकाउंट फॉर कंपनी एंड इंस्टीट्यूशंस. और यहां हमने बैंक को पर्सनल अकाउंट माना. ये बहुत बड़ी बात है कि बैंक हमारे पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट है और ड्रॉइंग्स हमारे लिए पर्सनल. अब इसका नियम क्या है, व्हाट इज द रूल, द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो. अब इससे भी तीन तरह के खाते हैं, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो हुए जिनका संबंध व्यक्तियों से है, और वो व्यक्ति जिनके पास ब्लड है, जिनके पास सेल है, जो जीवित है, वो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट. अब कौन कौन से होते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम है, जैसे है मोहन सोहन व्यक्ति का नाम है, फिर उसके बाद ड्रॉइंग्स है, कैपिटल है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर. ना अगला है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो पर्सनल अकाउंट है जिसे कानून ने पर्सन माना है, उनकी ना तो कोई हड्डियां होती है ना ना कोई ब्लड होता, लेकिन उनको हमने एक फिजिकल एग्जिस्टेंस भले ना हो लेकिन हमने उन्हें पर्सनल अकाउंट माना है. जैसे बैंक है, बैंक को हमने माना है पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, क्लब्स है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब यह होता है कि वेन द अकाउंट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जैसे किसी को सैलरी नहीं दी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे. नाउ इसका रूल क्या है, वही है सेम जो पर्सनल अकाउंट है. अब है सेकंड रियल अकाउंट. व्हाट इज रियल अकाउंट? नाउ रियल अकाउंट इज ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in
in terms of money and properties of the business. हमारे जो व्यापार की जो संपत्तियां हैं या जिनको हम मुद्रा में गणना कर सकते हैं, उनको मनी में वैल्यू कर सकते हैं, तो वो सारे रियल अकाउंट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्रीमिसेस है, प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स हैं, तो ये सब हमारे रियल अकाउंट्स हैं। और इसमें जो स्पेशल चीज है वो है कैश। कैश को हमने पर्सनल अकाउंट, हमने रियल अकाउंट माना है। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें इंक्लूड ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम के जो अकाउंट हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट हैं, और उनका प्रभाव सिर्फ एक साल के अंदर अंदर होता है। और उसका जो रूल है वो रूल ये कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। और रियल अकाउंट के अंदर जो रूल है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो इन तीनों नियमों के आधार पर हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब सपोज करो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर राम ने 3,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो इसमें दो एंट्रीज, दो खाते खुलेंगे, एक तो कैश का बनेगा और राम का बनेगा। अब कैश जो है वो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो। तो कैश आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है, राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, और उसका जो नियम है वो कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट देने वाला। तो उसकी जो एंट्री हो जाएगी वो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू राम 3,000। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट को तो हमने क्रेडिट किया है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, और कैश जो रियल अकाउंट है वो आ रहा है तो हमने उसे डेबिट किया है। अब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर अगर हम अगर एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उस एक्सपेंसेस को जब हम पे करते हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो जैसे हमने सैलरी 2,000 रुपए चुकाए, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और वो पेमेंट है तो हम उसे डेबिट करें। तो सैलरी अकाउंट या 2,000 और टू कैश, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो नियम है वो ये कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस वक्त कैश जा रहा है तो वो जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इस तरह से हम इन तीनों नियमों का पालन करेंगे, डेबिट क्रेडिट रूल्स टू बी फॉलोड फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड आई बिलीव दैट दिस लेक्चर कम्स अ वेरी फ्रूटफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एंड द स्टूडेंट विल बी